We are joining you from Abu Dhabi. Oh wow, great. We are in Abu Dhabi and we have just purchased a flat in Gulmohar Gardens, Jaipur. So, Okay. just this is my wife. Hi, good afternoon. Hi, good afternoon, ma'am. Good to see you. Hi. Hi, how are you? What's your name? He want to learn chess. Oh, great. What's your name? My name is Manit. Manit, okay. Yeah, Jolly ma'am. Yeah. So basically आपको फोकस जो है वो आप चेस बोर्ड पे रखिएगा और पीछे से रिफ्लेक्शन आ रहा है काफी लाइट का सनलाइट का. आराम से सही है. यस बेटर. रति जी, बोर्ड पूरा दिख रहा है? नहीं नहीं दिख रहा आपका बोर्ड पे फोकस नहीं है. है थोड़ा सा और जो, कीजिए. ओके, होगा, अभी भी नहीं आ रहा है. यस, छोड़ो छोड़ो, अभी आ रहा है. नहीं पूरा नहीं आ रहा. रुको, मैं करती हूँ, अभी पूरा आएगा. क्या आया? हाँ हाँ अभी बेटर है. यस नाउ इट्स यस, फाइन. सो अभी जॉली जी विल स्टार्ट योर सेशन इन अनदर 5 मिनट्स. ओके ठीक है. ओके, ओके मजा. तो इंट्रोडक्शन देना पड़े. आई टॉप फेस. मतलब सजेज है. सजे भी कहेंगे फर्स्ट बेटर पीसेस को इंट्रोड्यूस करें पहले. आई पीसेस इंट्रोड्यूस करें. जस्ट होप यू गोना लव माय प्रेजेंट. ठीक है, निवेदिता प्रधान आसी वाले. हाय सिला, हाय निवेदिता. हाय निवेदिता, अब आ गए. तब सुबुनी इटा ना मु चार्ट पे पड़ी पड़े तो पड़ी होते तो सुन, आप गोटे जिनसे इंट्रोड्यूस करिबो. ए लिखा होगा, एच नहीं. नहीं, दैट्स नॉट नेसेसरी. ମୁଁ ତ ପଢି ପାରୁନି ମୁଁ କଣ ସେଠି ଶୁଣୁଛି ଲେଖ କଞ୍ଚନ କୌଶିକ ଶୋଭନାଗର ହାଇ ବବିତା ଜୀ ଫିର ସେ ଚେଞ୍ଜ ନହିଁ କିଆ ନାମ आप मेरे को बता दीजिए ना, मेरे नहीं आता है प्लीज. अच्छा, आपने जहाँ पे आपके साइड में ऑप्शंस आ रहे होंगे ना, आपके नाम के पास में वहां 3 डॉट्स आ रहे होंगे.
देखती हूँ मैं। हाँ वहाँ पे आपका ये 4F9AA लिखा हुआ आ रहा है ना, मोर लिखा आता है वहाँ पे, मोर लिखा हुआ आएगा। अच्छा ठीक है, वहाँ पे रीनेम का ऑप्शन होगा, वहाँ पे अपना नाम डाल दो। नहीं यहाँ डॉट तो कुछ नहीं आ रहा, डॉट नहीं है तो मोर होगा, मोर पर कोई ऑप्शन होगा, मोर नहीं कुछ नहीं इसमें, इसमें लाइव ऑन फेसबुक लिख रहा और कुछ नहीं है। अच्छा चलो सेशन के बाद मैं दिखा देख के आपको बता दूंगी। अच्छा ठीक है ठीक ठीक है ठीक, थैंक यू। जो आई कभी तो रुकी देख लो तो बहुत महिला फेस पर रख परिवि ता पर सिखने बार तो चेंज के स्कूल टीचर आता समय ବଡରେ ବି ମୋ ଦିଶୁଛି ଛୋଟଟାରେ ମୁଁ ଦିଶୁଛି ସେମିତି ହେଇପାରିବନି, ହେଇପାରିବ ଛୋଟରେ ମୁଁ ଦିଶୁଛି ଏଠି ଅନ୍ୟମାନେ ଦିଶିବା କଥା। How is that possible? तू तो को देख ना, तू तो कर जॉली जी, लेट्स स्टार्ट दी सेशन। ठीक है, सो अभी मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को म्यूट कर दूं क्या, चलेगा? हाँ चलेगा। ठीक है, सो आप जैसे जैसे आपका एक एक स्टेप होता जाए सो फिर हम सबको अनम्यूट करके किसी का कुछ क्वेश्चन या क्वेरीज होंगी देन वी विल टेक इट। ओके फिर मैं स्टार्ट करूं? नहीं वन सेकेंड। ओके तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग बेसिक चेस स्टार्ट करेंगे। चेस बेसिकली दिस वन इज बोर्ड, हम लोग ऑलवेज ब्लैक और व्हाइट चेस का रहता है। ये व्हाइट है, मैं अपने साइड रखी हूँ, इधर ब्लैक है। ये चेस होता है 64 स्क्वायर का, पूरा टोटल स्क्वायर इसमें 64 होता है, 34 इसमें, 32 होता है ब्लैक, 32 व्हाइट। ऑलवेज स्टार्ट होता है व्हाइट से, हमेशा गेम में व्हाइट ही स्टार्ट करेगा। जैसे हमें पीसेस अभी इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, ये हैं पॉन, पॉन 8 पीसेस होते हैं, पॉन 8 पीसेस होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8, ये 8 पॉन्स हैं, ये रो पे रहेंगे, ये जस्ट 1 पॉइंट के ये 8 पॉन्स होते हैं, जस्ट 1 पॉइंट। इनका मूव है 2 पॉइंट आइदर 1 पॉइंट, फास्ट स्टार्टिंग स्टार्टिंग 1 कर सकते हैं या तो 2, एनी पॉन, लेकिन ये हमेशा हिट करेंगे, यूं ऐसे हिट करेंगे, यहां से यहां हिट करेंगे, ये मैं आगे आपको बताऊंगी।
लेकिन इनका मूव वन स्टेप भी हो सकता है, ऐसे डबल स्टेप भी हो सकता है. सिर्फ स्टार्टिंग पोजिशन है. अगर पोजिशन एक बार यहाँ चला गया तो उसके बाद टू मूव नहीं होगा, सिंगल मूव चलेगा ओनली. ओनली जब ये अपने स्टार्टिंग रेंज से निकलेंगे तो वन मूव आइदर टू मूव चलेंगे. ओके ये हो गया पॉन्च. अगेन ये हुआ रूक, इसको बोलते हैं रूक. ये दो पीसेस होते हैं, टू पीसेस रूक. ये ओनली रहते हैं इस कॉर्नर में और ये कॉर्नर में. ये दोनों को बोलते हैं रूक. ये फाइव पॉइंट्स के होते हैं. एक में टूर्नामेंट जैसे चालू होता है, इनका पॉइंट रहता है व्हाइट, फाइव पॉइंट्स. तो ये दो कॉर्नर में रहते हैं और इनका मूव ओनली चलेगा बॉक्स पैटर्न में, सिंगल लाइन एंड यू. जैसे ये यहाँ पे है तो ये लाइन कवर करेगा और ये लाइन, बाकी कोई रैंक नहीं कवर करेगा. फिर आया हम लोग का ये बिशप, इसको बोलते हैं विशप. बिशप ये वाले स्क्वायर में रहेगा. एक बिशप ब्लैक स्क्वायर, एक बिशप व्हाइट स्क्वायर में रहेंगे और ये लोग सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन, सॉरी स्लैंटिंग लाइन में चलेंगे. व्हाइट बिशप ओनली व्हाइट में चलेगा, बिल्कुल सिर्फ व्हाइट, कहीं पे भी हो ओनली व्हाइट चलेगा, ये व्हाइट में रहेगा. और ये ब्लैक बिशप है, ये ओनली ब्लैक में चलेगा और किसी में नहीं. यहाँ जैसे ब्लैक में ये है तो ये ब्लैक में चलेगा, ये व्हाइट कभी भी नहीं आ सकता. और ये हिट भी करेगा तो ब्लैक डायगोनल में जो स्क्वायर है उसमें हिट करेगा और किसी में नहीं. अगर आपको किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, आगे मैं फिर बताऊंगी. रति जी आप सबको अनम्यूट कर दीजिए. हाँ जी मैंने कर दी है. सो किसी का कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए. ये जो फर्स्ट वाला है वो सिंगल स्टेप और टू स्टेप चलता है, उसके अलावा नहीं चल सकता जो आप फर्स्ट सिपाही बोलते हैं ना, आप इसको सोल्जर बोलते हैं. एक्चुअली हिंदी में मुझे नहीं पता इसका इंग्लिश. हाँ, यही वाला. अच्छा मेरी डॉक्टर बोल रही है सिपाही. तो हाँ, ये सिपाही. तो सिपाही जब एक स्टेप भी चल सकता है, दो स्टेप भी चल सकता है, लेकिन ओनली जैसे ये बॉक्स से निकलेगा तब दो स्टेप हो सकता है. जब अगर एक आगे आ गया तो दो स्टेप नहीं चलेंगे, ओनली सिंगल स्टेप चलेंगे. ओके और कुछ? हम लोग वन स्टेप ही चलते हैं उसको हमेशा. जी नहीं, मोर देन वन चलते हैं पर आफ्टर नहीं. जब शुरू करेंगे तब सिंगल स्टेप लेंगे या तो डबल स्टेप, कोई भी हो. जैसे ये एक ही रो में चलते हैं. हाँ हाँ एक ही रो चलेगा, लेकिन जैसे ये एक रो चल रहा है लेकिन हिट इधर करेगा तो इसका रो ये हो गया. हाँ, ये भी यहाँ बैठा है लेकिन इसका रो चेंज हो गया है. जब हिट करेगा, हिट नहीं करता है तो सिंगल रो चलेगा. ओके ओके थैंक यू. अभी हम लोग आ गए, ये है नाइट का है. जैसे ये रुक है, ये रुक का आया नाइट, ये नाइट का हो गया सेकंड पोजीशन. इधर से भी सेकंड और इधर से भी ये हो गया सेकंड पोजीशन. इसका पॉइंट है थ्री पॉइंट. एक मैच में इसका पॉइंट रहता है थ्री और बिशप आल्सो थ्री. ठीक है, ये पॉन लेकिन सिंगल पॉइंट है और रुक फाइव पॉइंट्स. और ये है हीरो और हीरोइन, जैसे ये किंग ये क्वीन. और मैच में इसका इम्पोर्टेंस बहुत है. इसका कुछ नहीं है बट ये नहीं है तो मैच नहीं है. ये हो गया किंग. और जैसे ये व्हाइट का क्वीन है तो व्हाइट में रहेगा. और ब्लैक का क्वीन ये है, ये ब्लैक में ही रहेगा. पहले से ही मैं इसको सेटिंग कर ली हूं. और ये आ गया किंग. हमारा किंग किंग की पोजिशन में रहेंगे. ये हो गया हमारा पूरा सेटिंग. और ये होता है नाइन पॉइंट्स का. मैच में इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा होता है. ये कहीं पे भी जा सकता है, इसमें ये लाइन कवर करेगा, ये भी लाइन कवर करेगा, किधर से भी ये जा सकता है. स्लैंटिंग लाइन, डायगोनल लाइन, कोई भी. जैसे ये यहाँ पे है तो इसका मूव ये लाइन हो सकता है और इधर से भी ये आएगा, इधर से भी आ सकता है, ये कहीं से भी जा सकता है. लेकिन ये जो किंग है ये अगर मिड पॉइंट पे है तो सिर्फ वन मूव, इधर भी वन मूव, यहाँ वन मूव, यहाँ वन मूव, कहीं से भी जाएगा, सिर्फ वन मूव. ओनली सिंगल मूव किंग का होगा. किंग इज सिंगल मूव. तो एनी क्वारी रति जी?
थोड़ा नीचे करो बेटा, ऐसे ऐसे। तीजी अनम्यूट कर दीजिए। हाँ जी मैंने कर दिया। ये की टू एंड हाफ भी चलता है, व्हाट का स्टेप भी चलता है किंग मानित। वन मिनट ये किंग जो होता है वो हॉर्स का स्टेप चलता है, टू एंड हाफ। नहीं नहीं, किंग जैसे किंग का पोजीशन ये है मिड में है, तो ओनली ये स्क्वायर किंग कवर करेगा, ओनली सिंगल हिट भी करेगा सिंगल। कैन यू आस्क क्वीन हाउ मेनी स्टेप्स? क्वीन पूरा कवर करेगा, पूरा बोर्ड क्वीन कवर करेगा, लेकिन क्वीन अगर सीधा जाना चाहेगा तो पूरा सीधा, और उसके साइड वाला राइट लेफ्ट कहीं पे भी जा सकता है, स्लैंटिंग में भी जा सकता है, कहीं पे भी, और इसका कोई लिमिट सेट नहीं है। कहीं भी जा सकती है, कोई लिमिट है? अब किंग में कोई लिमिट है क्या? किंग में कोई लिमिट है क्या जी? किंग में कोई लिमिट है क्या? किंग किंग ओनली वन स्टेप है, किंग लिमिटेड है, किंग वन स्टेप है। ओके, कौन होते हैं, कौन वन स्टेप चलते हैं बट सीधे लाइन पे आगे पीछे नहीं जाएंगे। हेलो, ये तो किंग और क्वीन है, इनको सदा बराबर ही पास पास ही रखते हैं, स्टार्टिंग से ही बराबर ही रखते हैं इनको। किंग और क्वीन जो होते हैं, हैं इनको पास पास ही रखते हैं। हां कितने कितने स्टेप्स चलते हैं? कौन बेटा? रूक मैम, स्टेप काउंटिंग नहीं होता है। ये जैसे रुक यहाँ पे है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, रुक है तो रुक बिल्कुल यहाँ आ सकता है एंड तक, यहाँ पे भी और सीधा जाएगा पे भी, इसका कोई काउंटिंग नहीं है। लेकिन ये स्लैंटिंग नहीं जाएगा, रुक स्लैंटिंग नहीं जाएगा, ओनली ऐसे पोजीशन चलेगा, ओनली एल शेप चलेगा, ये यू यू सिर्फ एल शेप चलेगा, एल तो ये चलेगा, हाँ ये ऐसे सीधा सीधा चलेगा। ओके बेटा। हेलो, हाँ जी, जो किंग और क्वीन है इनको सदा पास पास ही रखना स्टार्ट, जब शुरू शुरू की पोजीशन बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे, कोई आगे पीछे नहीं हो सकते। ओके ओके, पोजीशन फिक्स है बोर्ड पे। ओके, मैं यही पूछना चाह रही थी। हाँ नहीं नहीं, तो शुरू से अलग कर दे किंग और क्वीन को ना, ना, ना जैसे व्हाइट सीरियल वाइज रखना है नहीं। अच्छा ऐसा है रानी ना, हम लोग अपने घर की क्वीन है ना, हम अपनी मर्जी की मालिक हैं, जिधर जाना होता है उधर चलते हैं, रुकता नहीं है, ऐसी इसकी क्वीन है, वो भी अपनी मर्जी की मालिक है, जिधर चल रहा है उधर ही चलेगी, साथ साथ है लेकिन चलेंगे अपनी मर्जी से, ठीक है, अपनी मर्जी से चलेंगे, ऐसी वो क्वीन अपनी मर्जी से चलेगी। अभी मैं नाइट की बता रहा हूँ, इस पूरे गेम में इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये हर किसी को जंप कर सकता है, राजा के कितने पॉइंट्स होते हैं? बेटा वो तो हीरो है, इसके बिना तो गेम ही नहीं है, इसका कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन इसके बिना खेल ही नहीं है, पूरा खेल इसी को लेके होता है। ओके, अभी हम लोग मैं अभी नाइट की बता रही हूँ, नाइट पहले बहुत ही इसका इम्पोर्टेंट किसी को जंप कर देता है, इसलिए ज्यादातर टूर्नामेंट में ना हम लोग पहले नाइट को ही सैक्रिफाइस कर देते हैं और उसकी नाइट ले लेते हैं कि काम खत्म, फिर हम बढ़ेंगे, ठीक है? तो ये रहा अगर एक नाइट यहाँ पे, तो उसकी पोजीशन देखो, पहले वन टू एंड हाफ, नाइट यहाँ आ सकता है, नाइट वन टू एंड हाफ यहाँ भी आ सकता है, यहाँ जा सकता है, वन टू एंड हाफ यहाँ भी आ सकता है, वन टू एंड हाफ यहाँ भी आ सकता है, इसके काफी सारे होते हैं। ये अगर मिड में है तो ये बिल्कुल अपना बोर्ड उसके ही हो जाते हैं, तो चलाने के टाइम बहुत ध्यान रखना पड़ता है नाइट का, ठीक है? मैं सब के रूल्स बता दिए, अभी खेल की रूल बताऊंगी। तो
मैम पूरा गेम कितने पॉइंट का रहता है? बेटा पूरा गेम ना 2 points का रहता है, सॉरी 1 point का, सॉरी पूरा गेम, ये जो हम लोग टूर्नामेंट में खेलते हैं ना, पूरा गेम 1 point का होता है। अगर आप विन किए तो 1 point, लॉस किए तो 0, ड्रॉ हुआ तो 0.5 point होता है। और बाकी इसका अगर पॉइंट बोला जाए तो ये पता नहीं, मुझे मुझे काउंट करना पड़ेगा। तो जितने मूव करेंगे उतने ही पॉइंट मिलेंगे ना हमको? नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। ये जैसे ये 5 points के होते हैं, ठीक है, ये करता है तो 5 point आपके कट जाते हैं। अगर ये क्या पॉन मतलब सोल्जर, सोल्जर करता है तो 1 point, हाँ यस। और ये है नाइट, नाइट 3 points के होते हैं, और 3 points के होते हैं। टूर्नामेंट में इसके पॉइंट काउंट होते हैं, बट एक टूर्नामेंट 1 point का ही होता है। एक गेम जैसे होता है ना टूर्नामेंट होते हैं, एक पॉइंट्स का ही होते हैं। और ये इसके कितने पॉइंट होते हैं जो आपने पहले बताया था, उसके कितने पॉइंट होते हैं हॉर्स के? हॉर्स के 3 points, 3 points, 3 points, 3 points, 3 points, 3 points। और इसके कोई पॉइंट नहीं होते हैं, लेकिन ये पूरा मेन होता है गेम का। और क्वीन ये 9 points के होते हैं, ठीक है, इसको एंड तक बचाने की कोशिश होता है। ये क्वीन जो है वो हॉर्स की, हॉर्स के स्टेप चलती है, क्वीन जो है हॉर्स के स्टेप चलती है, ढाई स्टेप, टू एंड हाफ स्टेप। हॉर्स ढाई नहीं चलते हैं, उसका स्टेप अलग है, ये हर किसी को जंप कर सकता है, लेकिन क्वीन नहीं चलती, ये यूनिक चलती है, तो स्लाइड चलती है। ये किधर से भी चल सकती कहीं है, भी चल रही है, कहीं भी जा सकती है, ये बिल्कुल, ये कहीं पे भी चलेगी, लेकिन अपनी लाइन पे चलेगी, लेकिन रास्ता खाली होना चाहिए, बस रास्ता खाली नहीं सकती किसी को। और हीट हाँ, थोड़ा जो है वो जंप कर जाता है, ये एक दूसरे के सामने है तो कोई हिट नहीं करता, तो ये ऐसे कट जाएगा, हाँ ऐसे कट जाएगा। इसका रो ये हो गया, ये आगे चला, मैं अभी आगे की रूल बताऊं? हाँ जी, हाँ जी, यस यस। ये रूल पूरे मैच की पहली रूल है, टच वंस आपने ये टच किया तो आपको यही चलानी है, नहीं तो ये इलीगल मूव हो जाएंगे। दो इलीगल मूव मतलब मैच से आप आउट हो और आपकी अपोनेंट वो विन कर गई। और प्रॉब्लम नहीं 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 और मैच हमेशा व्हाइट से ही चालू होगा। एक मैच जो होता है ये ब्लैक एंड व्हाइट का मैच, हमेशा व्हाइट से चालू होगा और ब्लैक से कभी चालू नहीं होता है। और पूरा मैच में ये रहता है कि टच एंड मूव, आपने टच किया तो ये आपको चलानी है, ओके। जैसे ये हम लोग का पहला रो चालू हो गया है, मैच का रूल है पहले हम लोग किंग साइड ओपन करेंगे, ये किंग है, किंग के सामने वाले पॉन हम लोग 2 steps आगे बढ़ाएंगे, ये किंग की 2 steps आगे बढ़ाया, तो सेम ब्लैक साइड में जो है वो भी किंग का आगे बढ़ा। ये जस्ट रूल है, कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, रूल है कि हम लोग पहले 4 knights बिगनिंग करते हैं, 4 knights शुरू करते हैं, ये भी हो सकता है, उसके बाद ये पॉन आगे बढ़े तो ये रास्ता खुल गया हमारा। ये देखिए ये स्लैंटिंग लाइन पे हम लोग आगे बढ़े, बिल्कुल ये व्हाइट में है तो व्हाइट स्लैंटिंग चलेगा, ये और कहीं पे भी नहीं आएगा, ये मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। ये जैसे ये ब्लैक में है तो ये ब्लैक में आगे बढ़ेगा, ये व्हाइट और ब्लैक एक दूसरे को नहीं काट सकते, ये सिर्फ ब्लैक में ही काटेगा। जैसे ब्लैक में कोई ये आ गया तो ये इसको हिट कर सकता है, ये इसको हिट हो गया तो मेरा यहाँ पे 2 pawn इसको हिट कर सकते हैं, जैसे ये एक भी हिट कर सकता है तो ये हिट हो गया। तो इसी हिसाब से प्रोटेक्शन लेना है कि मेरा कोई चीज हिट ना हो, ये एक हो गया। फिर हम लोग का ये रुक अभी निकल नहीं सकता क्योंकि रुक पूरा एंड तक थोड़ा टाइम के बाद ही निकलता है, मिड गेम में। जैसे गेम का 3 steps होता है, बिगनिंग ये हो गया, बिगनिंग का स्टेप मैं एक बार बताती हूँ, ये 1 to half, फिर ये लाया 1 to half, मामा आगे कर दिया, ज्यादा आ गया 1 to 1.5, ओके
किया गया टू स्टेप, फिर व्हाइट लिया यहाँ, फिर ये लाए वन टू हाफ, ये हो गया हमारा पहला स्टेप, बिगनिंग स्टेप, ये हो गया बिगनिंग। यहाँ से इसके बाद जो भी खेल चालू होगा वो होगा मिड गेम, मिडिल गेम होगा ये, उसके बाद एंड गेम। ये पहले हमारा ये बेसिक हो गया, ये बिल्कुल बेसिक रूल है, पहले बेसिक इसी से चालू करते। इसमें क्या होता है, चेस एक माइंड गेम होता है, इसमें हम लोग घर में फन कर सकते हैं, घर में खेल सकते हैं, और ये गेम है कि 64 स्क्वायर का गेम है लेकिन घंटों खेल सकते हैं। मैं और मेरी बेटी इसमें काफी टाइम देते हैं, हम दोनों, मेरे दोनों बेटियां हैं, दोनों ही चैंपियन हैं और हम बहुत ही खेलते हैं इसको। चलो मैं एक बार सेटिंग करके आपको फिर मैच दिखाती हूँ। और इसमें सबसे बेनिफिट है कि जैसे बच्चे अभी थोड़े बहुत बैठते हैं, फिकल होते हैं, फटाफट मूव देते हैं, कोई बात नहीं, टाइम के साथ क्या होता है, बच्चे इतने एडजस्ट हो जाते हैं और कॉन्सेंट्रेट करते हैं, सो देट आगे जब क्लास 8 और 9 में पढ़ते हैं ना, पढ़ाई में उनको कॉन्सेंट्रेट आता है और घंटों आराम से पढ़ सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि ना ये खेल होता है माइंड गेम हो जाता है, माइंड में खेलते खेलते उनको आदत हो जाता है सिटिंग पोजिशन का। जैसे बच्चे बहुत फिकल होते हैं, यूं यूं पेन घुमाते रहते हैं, लेकिन ये गेम में ना यूं बैठे बैठे उनको आदत हो जाता है, सो देट आगे वीडियो नहीं है। आपको एनी क्वेश्चन है तो थोड़ा पूछ लीजिए, फिर मैं मिड गेम के तरफ चली जाऊंगी। एनी क्वेरी? ओके, तो चलिए अभी मैं मिड गेम के तरफ चलती हूँ। मैम इस बोर्ड को चेस बोर्ड बोलते हैं या और कोई नाम है? नहीं, चेस ही है। ओके, शायद हिंदी में इसको शतरंज बोलते हैं। ये हो गया हमारा मिड गेम की स्टार्टिंग। अब हम लोग एक दूसरे के साथ खेलने लगेंगे। जैसे पहले सोचना पड़ता है कि अरे क्या खेले, यहाँ अगर मैं नाइट चलाती हूँ 1 2 हाफ तो ये हिट करेगा, तो मुझे नहीं चलाना है, अगर नहीं चलाऊं तो कहाँ चलाऊं, फिर ये आया 1 2 हाफ तो ये हिट कर दे, ब्लैक अगर आता है 1 2 एंड हाफ तो ये वाले पॉन उसको हिट कर देंगे, तो ये कोई फायदा है कि नहीं, ये सब चीज उसमें सोचना है। फिर हम लोग क्या करते हैं, पूरी गेम को उसी हिसाब से खेलते हैं। जैसे ये यहाँ आ गया, फिर हम इसको आगे बढ़ाए, ये इसको आगे बढ़ाया, सो देट ये पॉन इसको हिट किया, ठीक है। फिर अभी मैं सोचू कि अरे क्या चलाऊं, फिर मैं देखती हूँ तो पहले करती हूँ 1 2 हाफ, ये इसका हो गया, ये हो गया 1 2 एंड हाफ, ये तो ये क्या किया 1 2 एंड हाफ, इसमें हिट किया, इसमें हिट करने से इसका 3 पॉइंट्स गया, फिर मैं अपने पॉन से इसको हिट कर दिया, ये देखिए ये हिट हो गया। तो अभी फिर ये सोचे भैया ये तो यहाँ है, ये यहाँ है, किसको हिट करना है, तो ये कभी क्या करेगा अपना ट्रैक चेंज करेगा 1 2 एंड हाफ, तो इसमें आने से भी ये इसको देगा, तो इसके लिए ये इजी रहेगा कि मैं इधर चलाऊं, ये 1 2 एंड हाफ, लेकिन ये अगर यहाँ आता है तो मेरा ये भी इधर है 1 2 एंड हाफ, तो ये भी हिट हो गया। तो अभी क्या हो गया, ये इसका रास्ता खुल गया, ये बिशप का रास्ता खुल गया, ये आ गया इधर, ये स्टेप और ये स्टेप सब आ सकते हैं, और रुक का भी फाइल खुल गया, क्वीन का भी फाइल इधर से खुल गया, लेकिन क्वीन अगर इधर हिट करता है सपोज तो तुरंत ये क्वीन हिट कर देगा, लेकिन एक पूरे मैच में हम इसके इम्पोर्टेंस बहुत देते हैं, तो इसको हम लोग पूरा बचा के लास्ट तक रखते हैं कि हमें इसको मारना ही नहीं है, क्योंकि ये चला जाएगा तो हमारा बहुत नुकसान हो जाता है, क्योंकि आगे मैच विन करना बहुत टफ हो जाता है, ऐसा नहीं कि विन नहीं हो सकता पर टफ हो जाता है, तो हम लोग दूसरा कुछ चलाएंगे। तो अभी मैं क्या चलाऊं, तो मैं ये क्वीन की फाइल यहाँ निकालती हूँ, ठीक है, ये इसको यहाँ बिट कर देगा बिशप, बिशप का स्क्वायर है ओनली। एनी क्वारी, किसी को कुछ समझ में दिक्कत आ रहा है तो मुझे पूछ सकते हैं। एक सेकंड, मैं अनम्यूट करती हूँ जी।
किसी को पूछना है तो प्लीज कुछ पूछ लीजिए। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, अभी तो कुछ समझ नहीं आया, अभी जो जो बताया। अच्छा मैं ना पूरा मैच की आपको बोर्ड पूरे दिख रहे हैं? हाँ दिख रहे हैं। ये रहा व्हाइट, अब मैं इसकी बात बोल रहा हूँ, ठीक है? ये यहाँ है, यहाँ और ये यहाँ, ये इधर, ये इधर, ये इधर। मैं सबकी पोजीशन हिला रही हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है। अभी ये एक बिशप है, ये किस किस को हिट कर सकता है मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? ये जो बिशप है ये ओनली स्क्वायर में हिट करे, जैसे ये ओनली इसको हिट कर सकता है, इसको हिट, जो जो व्हाइट स्क्वायर है ये सब व्हाइट स्क्वायर है, ये चार करेंगे, ठीक है? ये बिशप, लेकिन ये बिशप को हिट नहीं कर पाएगा क्योंकि ये लोग ब्लैक में है, ये ब्लैक में है, इसको हिट नहीं हो पाएगा। लेकिन ये चीज अगर इधर भी होता है तो भी ये हिट होगा। अगर ये नहीं है और ये पूरा स्क्वायर खाली है तो ये इसको भी हिट कर सकता है, जैसे बिल्कुल ये खाली है तो खाली स्क्वायर मतलब ये हिट हो गया। अगर इसके बीच ये आ रहा है तो अभी इसको हिट नहीं कर पाएगा क्योंकि बीच आप समझ रहे हो, लेकिन ये अभी इसको अगर हिट करता है तो ये चीज जो है ये इसको हिट कर देगा, ये जो ब्लैक है, क्योंकि हर एक के मुंह में बार ही आते हैं, ये एक बार में चला दिए तो ये हट गया, ये आ गया। तो अभी क्या होगा, ये वाले चीज में ये हिट कर सकता है, आइदर वन टू एंड हाफ में भी ये हिट हो जाएगा। ये देखिए ये है नाइट, नाइट आप दिख रहे हैं, नाइट देखिए वन टू एंड ये एल से वहां, ये एल एंड इधर से घूम गया, वन एल हो गया, ये भी हिट हो सकते हैं, ये भी हिट हो सकते हैं, ठीक है? चलिए रहेगा, ठीक है? पिच अगर मेरा रुक इधर रहता है, ठीक है, मेरा रुक, सोचिए रुक का पोज मैं बता रही हूँ, रुक एक इधर रहता है, एक इस कॉर्नर पे रहता है, तो रुक हमेशा यूं चलेगा, इसको हिट करेगा क्योंकि इसके बीच कोई नहीं है, ये जो स्क्वायर है तो ये इसको हिट कर सकता है। अगर इस बीच वो यहाँ है तो रुक का सिर्फ मूव ऐसा हो सकता है, अगर रास्ता क्लीन है तो, अगर रास्ते के कोई भी है तो हिट नहीं करेगा। अगर इसको हिट करता है, सोचिए ये व्हाइट है, ये ब्लैक है, ठीक है? ब्लैक को अगर ये हिट करता है, ये हिट कर दिया तो इसके सामने कोई नहीं है, ओनली ये है, समझ रही है? तो ये ओनली इसको ही हिट करेगा, ये आया इसको मार दिया, ठीक है? रास्ते को कोई नहीं आना चाहिए, रास्ते में आया तो कोई एक दूसरे को मार नहीं सकते। अगर ये चीज अभी इसको मार नहीं सकता क्योंकि ये दोनों के बीच अभी ये चीज है, ठीक है? हाँ। अभी जैसे इसको मारा, ये इधर है, ये इसको मारा तो ये चीज इसको नहीं सकते, और ये चीज तो कभी नहीं मारेगा क्योंकि इसका स्क्वायर ओनली ये वाला डायगनल वाला स्क्वायर है, व्हाइट ये फ्रंट, ठीक है? ये जो क्वीन है ये स्क्वायर में मार सकता है, ये देखिए ये स्क्वायर उसका खाली है तो क्वीन मार सकता है, समझ रहे हैं? ठीक है, ये क्वीन इसको लिटरली मार दे, कोई दिक्कत नहीं, इसका आउट हो गया, ठीक है? अभी मैं किसकी बताऊं, पॉन्स का, सिर्फ पॉन्स का ही बता रही हूँ, एक मिनट मैं पोजिशन लगाऊं फिर। टफ गेम है लेकिन एक घंटे में तो सीखना इजी नहीं है, बट एक घंटे में आप बेसिक सीखेंगे तो आप खेलते खेलते आपको आदत हो जाएगी, जैसे जैसे आप खेलते जाओगे ना वैसे हिसाब से आपको आ जाएगी। और एक्स्ट्रा क्वारी तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, और मेरी बेटी तो ऐसी है कि वो आप कहाँ पे भी पोजिशन हो तो वो सारे स्क्वायर के नेम्स है, ये देखिए बोर्ड के साइड में लिखा रहता है ए बी सी डी ई एफ जी एच, फिर यहाँ
वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट. तो ये जब यहाँ आता है पॉन, इसका नाम होता है एच टू. फिर ये यहाँ आता है तो उसका नाम होता है एच थ्री. अब थ्री हाँ कोई कोई भी जाता है. ये यहाँ पे आ गया तो इसका नाम हो गया जी फोर. ठीक है यहाँ पे है तो एच थ्री. तो ऐसे ही हर किसी का नाम होता है. आप मुझे कभी भी फोन करके पूछ सकते हैं कि मेरा यहाँ पे है मेरा क्या हो सकता है. तो मैं तो नहीं बता पाऊंगी कि मुझे बोर्ड लगाना पड़ेगा, लेकिन ये डॉट बोल देगी कि पोजीशन क्या है. तो बहुत एक्सपर्ट हो चुके हैं, मैं उतनी नहीं हूँ काउंटिंग में. खेलने में मैं बहुत खेलने में मैं बहुत अच्छी हूँ, बट ये काउंटिंग मुझे थोड़ा दिक्कत लगता है. अच्छा ठीक है जी, स्टार्टिंग से कुछ या आगे बढ़ाओ. ये व्हाइट क्वीन जो है सिर्फ व्हाइट स्क्वायर में ही हिट कर सकती है. नहीं नहीं, नहीं। आपको बताती हूँ. ये हो गया व्हाइट क्वीन. चलिए मैं इसका थोड़ा पोजीशन हिला देती हूँ. व्हाइट हो ब्लैक हो हर कोई अलग है, तो हर एक को मैं अलग अलग जगह पे सेटिंग ले लेती हूँ. सो देट आपको बोलने में और मुझे बताने में काफी इजी रहेंगे. ये देखिए मैंने यहाँ ब्लैक व्हाइट को सिर्फ फोकस करके आपको सिर्फ दिखा रही हूँ क्वीन की मूव. ठीक है ये ब्लैक क्वीन इधर है, ये ब्लैक नाइट है, ये ब्लैक पॉन है, ये एक ब्लैक पॉन है, ये बिशप है ब्लैक बिशप, ये पॉन नाइट एंड ये. ठीक है अब ये जो किंग है ये सॉरी क्वीन पॉन को भी हिट कर सकती है. जैसे ये पॉन को हिट कर दिया क्योंकि ये सीधे में ये जो कोई नहीं है. ओके ये हिट हो अब इधर भी चल सकते हैं क्योंकि इन बीच कोई नहीं है, लेकिन ये क्वीन इसको हिट नहीं कर सकता क्योंकि आउट ऑफ द वे है. आउट ऑफ द वे है जी. हाँ आउट ऑफ द वे है ना. हाँ लेकिन ये इसको हिट कर लेगा क्योंकि सीधा है और उनके बीच कोई नहीं है. और ये इस नाइट को भी हिट कर सकता है क्योंकि नाइट के बीच नहीं है कोई. ठीक है और ये पॉन को भी हिट कर सकता है लेकिन ये क्वीन को नहीं क्योंकि क्वीन यूं जाए के यूं जाना पड़ेगा, एल से लेना पड़ेगा. और एल या तो इधर से जाएगा इधर घूमेगा. घूमना मतलब चेंज है. घूमने के लिए परमिशन ओनली नाइट को है और जंप करने के लिए ये किसी भी बॉक्स के ऊपर जंप कर सकता है. लेकिन ये लोग जंप नहीं करेंगे, इन लोगों का सिर्फ रूट क्लीन होना चाहिए. रूट तभी ये आगे बढ़ेंगे. ये हो ये पॉन हो बिशप ओनली ऐसे चलेंगे. ये ब्लैक वाले ब्लैक पे चलेंगे, ये व्हाइट वाले ओनली व्हाइट पे. जहाँ क्लीन सिग्नल है चलेंगे और हिट करेंगे. अगर ये हिट करते हुए वापस यहाँ कोई है तो वो वापस आ जाएंगे, भैया हिट नहीं करना है मेरा पॉइंट खराब हो जाएगा. अगर लग रहा है भैया इसको हिट करने से मेरा ये पीस सपोर्टेड है, ये आएगा इसको हिट किया तो ये आया इसको हिट कर देगा. तो यहाँ पे बहुत जन का लॉस हो रहा है तो उसी हिसाब से पॉइंट काउंटिंग होगा. इसमें से बैक स्टेप्स कौन कौन ले सकता है? बैक स्टेप सब ले सकते हैं. सिर्फ ये जो फ्रंट रो के पॉन्स हैं व्हाइट एंड ब्लैक का, ये लोग बैक स्टेप नहीं लेंगे. ये सिर्फ आगे ही बढ़ेंगे, ये आगे चलेंगे. बाकी ये सब बैक स्टेप लेंगे. पीछे के रो जितने हैं सब बैक स्टेप लेंगे. ये सारे बैक स्टेप लेंगे, फ्रंट स्टेप एंड साइड स्टेप सब लेंगे. सिर्फ ये फ्रंट के एक जो सोल्जर्स हैं वो नहीं लेंगे. लेकिन इस बीच क्या होगा एक आपको और बताती हूँ. ये व्हाइट आगे जा रहा है ठीक है, और उसका ये सब रो बिल्कुल क्लीन है. ये वन टू थ्री एंड फोर यहाँ पहुंच गया बिना हिट किए, और हिट का चांसेस भी नहीं है इसको. इस जगह पे इस व्हाइट अपोनेंट में जो बैठेगा ये जो बोलेगा उसको देना है. जैसे इसको बोलना है कि मुझे व्हाइट क्वीन दो तो उसको व्हाइट क्वीन दिया जाए. जैसे व्हाइट क्वीन ऑलरेडी अवेलेबल है लेकिन उसको अगेन व्हाइट क्वीन चाहिए तो क्या करेंगे, ये जो एक रुक आउट हो जाता है तो रुक को उल्टा करके ऐसे रखते हैं. ओके ओके रिकॉग्नाइज हो कि ये क्वीन है, मतलब लाइव हो जाता है, दोबारा से लाइव कर देंगे उसको. ओके दोबारा से लाइव कर सकते हैं ना. हां क्योंकि पॉन तो आगे वो बोलो जैसे ये पॉन तो आगे नहीं जाएगा. अगर पॉन की जगह उसको रुक चाहिए तो रुक ही मिलेगा, चाहे व्हाइट का हो या ब्लैक का हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है. जैसे ये ब्लैक का आ गया,
ये मेरे साइड में ज्यादातर व्हाइट है तो मैं व्हाइट का ही आपको दिखा रही हूँ, ये ब्लैक था, ये आगे बढ़ते हुए बिना हिट किए आ रहे हैं। अगर यहाँ पे उसको कोई हिट कर देता है, सोचिए यहाँ दो हैं, ये हिट हो गया, ये आके इसको यहाँ पे हिट किया, तो ये जो ब्लैक पॉन है इसका रो क्लीन है और व्हाइट का रो इधर क्लीन है, तो ब्लैक ऐसे ऐसे आएगा और व्हाइट ऐसे ऐसे जाएगा, फिर ब्लैक इधर आ गया। अभी ब्लैक की चॉइस है कि ब्लैक को क्या चाहिए, नाइट चाहिए, बिशप चाहिए, पॉन चाहिए, जो भी चाहिए, पॉन नहीं, जो चाहिए, ये लास्ट रो का जो चाहिए उसको मिल सकता है, चाहे नाइट, लेकिन वो नाइट ब्लैक कलर का ही आएगा, उसको नाइट चाहिए तो नाइट आएगा, क्वीन चाहिए तो क्वीन आएगा, मतलब वो रिप्लेस हो जाएगा इसकी जगह पे, इसके जगह रिप्लेस होगा, ये आएगा और ये हट जाएगा, ये सीट से हट जाएगा, ये आएगा, और इसका मूव बिल्कुल बकायदा क्वीन जैसा मूव होता है उसका रहेगा, पॉन की मूव वो नहीं चलेगा क्योंकि पॉन हट चुका है, ठीक है। तो लास्ट में क्या होता है गेम में, ज्यादातर दो या तीन पॉन बचते हैं, एक बार दिखाती हूं मैं, अभी गेम के लास्ट तक जा रही हूँ, बाद में फिर आपको मिडिल बताऊंगी, फिर क्वारी रहेगा तो बताऊंगी। जैसे यहाँ पे क्वीन है, व्हाइट क्वीन है, व्हाइट किंग है, किंग है, ठीक है, एक पॉन यहाँ पे व्हाइट का है, ये अपना सीट छोड़ा ही नहीं है, देखिए इसका सीट यही है, आगे बढ़ चुका है, और ये ब्लैक का किंग है, और यहाँ ब्लैक की इधर, ठीक है, ये आप एक पोजीशन देख लीजिए, ठीक है, अगर पोजीशन एंड में रहा, जैसे ब्लैक के पास है तीन पॉन एक किंग, तो ब्लैक की पोजीशन अभी खराब है, और व्हाइट के पास एक क्वीन है और पॉन है, तो व्हाइट की पोजीशन बहुत बेटर है क्योंकि एक पॉन भी है, अगर ये पॉन आगे बढ़ गया तो ये दोनों का कोई काम ही नहीं है, ये दोनों ऐसे ही पूरी मैच बैठते रहेंगे, जब तक ये उठेगा नहीं ये ब्लैक आगे नहीं बढ़ सकता, अगर जब तक ब्लैक नहीं हटेगा ये स्क्वायर से, ये पॉन आगे नहीं बढ़ सकते, ये दोनों आमने सामने हो गए, और ये दोनों आमने सामने एक दूसरे को हिट भी नहीं कर पाएंगे, आप समझ रहे हो। जैसे ये क्वीन इधर आ गया तो ये जो व्हाइट क्वीन है ये ब्लैक को हिट कर सकता है, ठीक है, लेकिन अपने चीज को हिट नहीं होता है, तो ये इसको हिट कर दिया, लेकिन इसके पास बाकी अब दो पॉन और बचे, अब किंग अपने सपोर्ट के लिए अभी यहाँ लाया, तो ये ब्लैक है ना, क्वीन ब्लैक को हिट कर सकती है ना, ये क्वीन जो है वो ब्लैक को हिट कर सकती है ना, व्हाइट में, हाँ व्हाइट, ओनली व्हाइट को नहीं, सॉरी क्वीन जो है वो ब्लैक को हिट कर देगी, हाँ व्हाइट की चीज ब्लैक को हिट करेंगे, और ब्लैक की जितने चीज है व्हाइट को हिट करेंगे, एक दूसरे को हिट करेंगे, अपने आप को हिट नहीं कर रहे हैं, अपने आप को हिट करने से दर्द होता है, ओके। तो अभी देखिए ये व्हाइट की रो खाली हो गई और इधर ये ब्लैक की रो भी खाली है, बट ब्लैक अगर इधर आता है तो ये हिट कर देगा, तो किंग को सपोर्ट रखना है, अभी मैं इसको यहां दूंगी, सो देट क्या होगा, ये जो व्हाइट क्वीन है अगर इसको हिट करता है तो ये इसको हिट कर देगा, जैसे ये हिट कर दिया इसको, ठीक है, तो किंग अभी इसको हिट कर देगा, ये साइड हो गया, अभी एक यहाँ बचा पॉन व्हाइट का, एक ब्लैक का पॉन, अभी दो किंग, अभी देखते हैं कौन विन करता है, ठीक है। ब्लैक अपनी स्टेप से निकला ही नहीं है, जब ब्लैक नहीं निकला तो वो एक स्टेप भी निकल सकता है, जैसे मैंने बताया कि दो स्टेप, हाँ। तो इजी है कि वो दो स्टेप आए, तो अगेन ये गया एक स्टेप, अगेन ये आया एक स्टेप, ठीक है। अब ये लगेगा वन टू एंड थ्री, क्वीन ने लेगी, इसको लगेगा वन टू थ्री एंड फोर, ठीक है, उस बीच बचाने के लिए सब क्या करते हैं, क्वीन को इधर लेते हैं, सो देट इसका क्वीन ना बन पाए, किंग क्या करता है, फटाफट चलता है कि इसको हिट कर ले, सो देट ये क्वीन बना नहीं पाए, लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल क्योंकि क्वीन अभी ये ब्लैक डायगोनल स्क्वायर में है, या तो व्हाइट आएगा, और कछुए की तरह चलते 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 इसको लंबा सफर तय करना पड़ेगा इसके लिए, और इसको लेके सफर नहीं तय करना पड़ेगा, वन टू एंड थ्री में हिट हो जाएगा, लेकिन ये अगर थ्री आता है तो ये भी तो थ्री भाग जाएगा, थ्री में तो इसका क्वीन आ जाएगा, तो कोई भी एक दूसरे को भी हिट नहीं कर सकते। चले एक बार मैं आपको क्वीन बना के दिखाती हूँ, ये आया वन स्टेप,
ये गया अगेन ये वन अगेन ये वन अगेन ये वन. अभी ये वन हाथ छोड़ने से पहले हमें क्वीन लेना है. अगर हाथ छोड़ दिए तो ये इलीगल मूव हो जाता है. ब्लैक क्वीन, ये ब्लैक यहाँ रहा, ये हटा. ठीक है, अभी ब्लैक क्या करेगा, इसको क्वीन लेने नहीं देगा, क्योंकि ये क्वीन लेंगे तो ये भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. एक किंग एक क्वीन, इधर एक किंग और एक क्वीन, ये मैच ड्रॉ ही होता है. इसमें विन करने के चांसेस ही नहीं, क्योंकि ये बहुत टफ हो जाते हैं विन करना, बहुत लंबा खेल चलता है. फिर चलिए ये एक स्टेप गया, फिर ये यहाँ आ गया, क्योंकि इसको ये क्वीन लेने नहीं देना है. तो अभी क्या करेगा, ये किंग चलेगा. ये जब किंग आया तो ये यहाँ पे चला, इसका मतलब इसके डायगनल पे किंग आ गया, मतलब ये चेक हो गया. चेक जब किंग पे अटैक होता है तो चेक बोला जाता है. चेक वैसे टूर्नामेंट पे नहीं बोला जाता है, जस्ट बिगनर लोग बोलते हैं कि चेक, अदरवाइज चेक नहीं बोला जाता है. डायरेक्ट बोला जाता है मैट. मैट मतलब गेम खत्म, सामने वाला जीत, जो मैट बोला वही जीत गए. ठीक है, फिर एनी क्वेरी. एनी क्वेरी किसी को है तो मुझे पूछ लीजिए, फिर मैं अलग बताऊंगी. फिर जो तरीके की रिप्लेस करते हैं तो हाथ में पकड़े रखते हैं उस वक्त तक, जब तक रिप्लेस नहीं करते तब तक वो हाथ में रखते हैं. फिट का चीज यहाँ आ गया. ठीक है, और व्हाइट को कुछ भी लेना है, चाहे व्हाइट को ये रुक लेना है तो व्हाइट ऐसे छोड़ नहीं सकता. ठीक है, ऐसे ये यूं चलाया, अब बोलेगा रुक, तो रुक को प्लेस यहाँ रखेगा, फिर ये उठेगा. ओके, टूट जाएगा तो ये इलीगल मूव हो गया. जैसे यहाँ आ गया, उसके बाद वो बच्चा छोड़ देता है तो ये इसे उसको रखना है. और पूरी मैच के दौरान टच एंड मूव होता है, एक बार टच किया मतलब आपको वो चलाना ही है. इलीगल मतलब आप हार गए. ठीक है, एक मैच में दो ही इलीगल को चुना होता है, तीसरे इलीगल तक आप आउट. ओके, एनी क्वेश्चन? Yeah, one question is from Archana Ishwar. One minute. Archana ji, puchiye. Haan, hello, ma'am. Haan, ji. मुझे ये बोलना था कि जैसे इस साइड से ब्लैक के साइड से व्हाइट तक जब अपन एंड तक चले जाते हैं तो हम ब्लैक के जो मर गए हैं जो सारे जो है उसमें से है ना, anyone, पीछे की रो जितने रहते हैं, ये रूक नाइट बिशप क्वीन, अगेन यहाँ बिशप नाइट और रुक, ये आप हो गए सेवन पीसेस. सेवन पीसेस से एनी वन ले सकते हो आप, जो मरा होगा वो ना कोई भी मतलब होने से कोई दिक्कत नहीं है. जैसे मैंने बोला ना कि अगर आपके पास एक ब्लैक क्वीन है, अगर आपको अगेन ब्लैक क्वीन चाहिए तो आपको यूं दिया जाएगा. तो सेट में तो इतने ही होते हैं ना मैम? नहीं कोई बात नहीं, जैसे आपका ये रुक है, देखिए ये रुक है, ये आउट हो गया होगा तब तक आपको ये दिया जाएगा. अगर आप टूर्नामेंट में पूरी सेट में भी आप जितने क्वीन ले सकते हो वहां देना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपका पॉन आ चुका है एंड में और आपको वो चाहिए तो आपको वो देंगे. पहले ये करो, एक सौ पेटीएम कर लो गौरव, से ध्यान हट जाता है, कर देना. जी एक वन मिनट. रूल्स तो बहुत होते हैं, ये सिर्फ मैं बेसिक चीजें बता रही. आप खेलते खेलते ना बहुत आ जाएगा, आप सिर्फ इतना चलाना सीख जाओ, रूल्स पता लगे, आप घर में बच्चे के साथ खेलते रहो सब आ जाएगा. आजकल तो स्कूल में भी एक कंपलसरी क्लासेस कर दिए चेस में, कि एक पीरियड चेस का रहता है. जी अर्चना जी बोलिए. नहीं ताको तो सलाह कर. ओके मनीत, यू वांट टू आस्क समथिंग? ओके आप कंटिन्यू कीजिए जॉली जी. ओके देखिए, ये जैसे ए रूक है वो है ब्लैक साइड का रूक, मैं सिर्फ रूक की पोजीशन अभी बता रही हूँ. ये ब्लैक रूक है,
अर्चना तोमर इट्स एन इंटरेस्टिंग सेशन Anit, do you want to ask something? जैसे देखिए मैंने पोजीशन अभी लगाया हुआ है ये ब्लैक रुक है बिल्कुल डॉट अपने पोजीशन पे है और अगेन ये ब्लैक रुक है डॉट अपनी पोजीशन पे है ठीक है बाकी ये सब सारे चीजों का मैंने पोजीशन हिला दिया है ठीक है ये सारे चीज अपने अपने पोजीशन से हिल चुके हैं लेकिन अभी व्हाइट रुक दोनों बिशप व्हाइट पे ये व्हाइट जो है अपनी सीट पे है अभी मूव व्हाइट टू प्ले है तो व्हाइट अभी क्या करेगा देखिए जैसे व्हाइट के पास पॉइंट कम है क्योंकि ओनली ये पांच पॉइंट है ये तीन है ये वन 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 एंड वन ये फोर हो गए फोर थ्री सेवन हो गए और ये पांच पॉइंट लेकिन इसके पास काफी ज्यादा है ये एक बिशप है ये फाइव पॉइंट और पॉन ऑल्सो वन टू थ्री फोर फोर भी पॉन फोर्स है तो इसके पास ये एक्स्ट्रा है तो पूरे मैच में इसको क्या करना है मैंने तो किंग रखा ही नहीं है बिना किंग के तो खेल होता ही नहीं है चलिए अभी क्या हुआ व्हाइट टू प्ले है व्हाइट का ये रो बिल्कुल क्लीन है ये व्हाइट चाहे तो इसको हिट कर सकता है ये हिट अगर करता है अगर तो ये आके इसका भी रो क्लीन है ये आके डायरेक्ट व्हाइट को हिट करेगा तो व्हाइट का लॉस ज्यादा हो जाएगा क्योंकि व्हाइट के पास खेलने के लिए कोई चीज बचा ही नहीं है किस चीज से खेलेगा स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो यही है क्यों बेमतलब में लॉस करे अपना लेकिन अगर वो सोचे कि भैया मेरा तो पांच पॉइंट जा रहा है उसका भी पांच पॉइंट जा रहा है चलो उसको हिट कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है वो उसकी सोच है लेकिन ये आया अगेन हिट किया अब तो व्हाइट के पास कुछ ज्यादा ही नहीं है अब व्हाइट बोलना है कि नहीं मैं तो ऐसे ही खेलूंगा तो ठीक है अभी व्हाइट क्या करेगा ये पॉन बढ़ाया ठीक है अगर ये व्हाइट किंग है और इसका अभी टारगेट रहेगा कि आके किंग को हिट करे तो ये आया इधर चेक दिया तो ये हो गया चेक अभी एनी फोर्स आपको किंग को ही मूव करना पड़ेगा क्योंकि अभी आपके पास कोई सपोर्ट नहीं है बीच में जैसे ये स्क्वायर ये अभी इसका खाली है तो आप इधर जाओगे इधर इसको हिट नहीं करोगे या अगर इसको हिट करोगे तो ये सपोर्टेड है तो आप ये पॉन को हिट नहीं कर सकते आप जाओगे इधर ठीक है इधर अदरवाइज आप यहाँ हो यहाँ नहीं आ सकते क्योंकि अगेन वही चेक है तो ये इलीगल हो जाता है तो आप आओगे इधर ठीक है अब क्या करेगा ब्लैक क्योंकि ब्लैक का ऑलरेडी ये सपोर्टेड पीस है इसके सपोर्ट में ये आ गया इधर अगेन चेक ठीक है आप देख रहे हो ये आ गया चेक अभी ये क्या करेगा ये किंग इसको मार नहीं सकता क्योंकि ये है पॉन और पॉन को भी मार नहीं सकता क्योंकि बिशप है उसको यहां आना है लेकिन वो इस बिशप से इसको हिट कर सकता है क्योंकि देखिए बिशप ये वाले स्क्वायर में है ये व्हाइट स्क्वायर मनित जी आपको कुछ क्वेश्चन करना है एनी क्वेरी आप पूछ सकते हो अच्छा नहीं नहीं ओके अगेन देखिए ये बिशप है बिशप यहाँ हिट कर सकता है ये देखिए बिशप यहाँ हिट किया लेकिन ये पॉन भी यहाँ हिट कर सकता है क्योंकि पॉन एक पॉइंट का होता है और बिशप तीन पॉइंट का तो ये ले लिया ठीक है अभी क्या होगा ये एक स्टेप में ये जो है ये क्वीन बना सकता है ठीक है लेकिन अभी जैसे ये ब्लैक था ये व्हाइट था तो ब्लैक का मूव था ब्लैक ने इसको हिट किया तो अभी व्हाइट का प्ले है व्हाइट में क्या क्या किंग इसको हिट कर दिया ठीक है अभी ब्लैक की मैच है अभी जैसे ब्लैक मूव करेगा तो ब्लैक तुरंत यहाँ करके अपना क्वीन ले लिया क्योंकि ज्यादातर सब क्वीन ही लेते हैं क्योंकि क्वीन चारों तरफ से जाते हैं ठीक है अब क्वीन ले लिया अब अगर क्वीन यहाँ है तो किंग यहाँ आ नहीं सकता क्योंकि ये क्वीन जो अगर यहाँ है तो ये चेक है क्योंकि यहाँ आएगा तो ये हिट करेगा ये चेक जोन है ये भी चेक है ये भी चेक है और ये भी चेक है क्वीन अभी इतनों को कवर कर चुका है तो अभी किंग हम क्या चलाएं क्या चलाएं अभी हम इसको यहां लेते हैं क्योंकि हमारा यहाँ पे भी क्वीन बन रहा है ये स्पेस पे लेकिन ये यहाँ पे हिट कर देगा
क्वीन बनने की चांसेस कम हो जाएंगे। तो अभी मैंने यहाँ चलाया मूव, तो सेकेंड मूव क्या हुआ, ये यहाँ पे दे दिया चेक, अगेन चेक, देखिए ये चेक। तो अभी हम क्या करेंगे, ये रो भी आ सकते हैं नीचे वाले, ठीक है, हम ऊपर चलते हैं, ये आ गया ऊपर, ठीक है। अभी हम यहाँ आ गए, तो ये इसका तो मन है कि भाई हमें क्वीन बनाओ, लेकिन क्वीन नहीं बन सकते। अगर ये यहाँ चला दिया तो ये गया, इसको हिट कर दिया, गया इसका क्वीन, अब कोई चांसेस नहीं है, ये आउट हो गया। अब देखिए व्हाइट के पास ओनली 3 पॉन है और ब्लैक के पास सारे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब क्या करेगा, इसमें क्या करते हैं, ज्यादातर व्हाइट लॉस रहेगा और ब्लैक विन रहेगा, क्योंकि ब्लैक के पास काफी सपोर्ट है और मेन चीज है क्वीन। चलिए फिर भी हम कोशिश करते हैं, अब हम किंग को यहाँ लाते हैं, ठीक है, किंग को यहाँ लाएंगे तो क्वीन, क्वीन अभी देखिए ये जो रो है, ये ब्लैक, ब्लैक वाली रो यहाँ आने से ये हो गया किंग चेक, क्वीन से हम लोग किंग को चेक देंगे, ठीक है, ये हो गया चेक। अभी किंग कहाँ जाएगा, ये नहीं आ सकता, किंग यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि इसमें ये चेक पड़ रहा है, यहाँ नहीं आ सकता, नहीं ये चेक है, अरे ये पीछे नहीं आ सकता, सॉरी ये मैंने गलत बोल दिया, क्योंकि ये आगे आ चुका है, ये आगे आएगा, ये पीछे नहीं जा सकता, तो किंग यहाँ आ सकता है क्योंकि पॉन आगे आते हैं, क्योंकि इसका सीट ये है, ये वाला पॉन ब्लैक साइड है और ब्लैक आगे आ चुके हैं और ब्लैक पॉन बैकवर्ड नहीं चलते हैं, ठीक है। तो अगेन इसने दिया चेक, यहाँ चेक नहीं देंगे, ओके। तो अगेन क्या करेंगे, इसको सपोर्ट देते हैं, इसको सपोर्ट देने के लिए हम यहाँ आ गए, क्योंकि ये आगे जाके क्वीन बनाएगा तो अपने पॉइंट लूज नहीं करना है, तो ये चला आगे, ठीक है। तो ये जा रहा है इधर, ये जो पॉन है इसका अपने सीट है, ये पॉन बैकवर्ड नहीं चलते, ओनली फॉरवर्ड चलेंगे, बाकी पीछे की रो सारे बैकवर्ड फॉरवर्ड सब चलेंगे, ओनली पॉन्स फॉरवर्ड नहीं चलेंगे। अभी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, एनी क्वेरी। मैं एक मिनट अनम्यूट करती हूँ। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। हेलो जॉली मैम, जॉली मैम जी जी, आप अपनी बेटी के साथ खेल के दिखाइए ना एक बार, तो थोड़ा समझ अच्छे से आएगा। पार्टनर खेलेंगे ना तो शायद हम लोग को समझ आए, नहीं आएगा जी, पॉसिबल है तो। मुझे क्या पूछ रहे थे, सॉरी मैं बोल रही थी कि आप बेटी के साथ खेल के दिखाइए ना तो शायद हम लोग को समझ आए, मुझे दो पार्टनर खेलने से ना। हाँ तो हम लोग की मैच अराउंड 1.5-2 घंटे तक एक मैच चलते हैं, और अभी हमारे सेशन में 10 मिनट का है। एक दो स्टेप बता दीजिए, कोई एक दो स्टेप बता दीजिए जी, कोई एक दो स्टेप खेल के बता दीजिए साथ में। अच्छा तो आप बोल लो, क्या होता है ना, मैं सारे पोजीशन बता रही हूँ, चलो एक बार मैं आपको एक मैट की पोजीशन दिखा देती हूँ, मैट कैसे होता है, किस जगह पे हम बोलते हैं कि इट मीन्स ओवर, ओके एक बार दिखा देती हूँ फिर आपको एक मैच दिखा दूंगी, ओके वो हम लोग फटाफट खेल लेंगे, ठीक है, थैंक यू मैम। ये देखिए एक पोजीशन मैंने अभी सेट किया हुआ है, ठीक है, ये जस्ट ए मिनट, अरे मेट हो गया है, या फिर आप इसको यहाँ ले लो, अरे व्हाइट ब्लैक टू प्ले है, ये व्हाइट व्हाइट आरपी बढ़ा देना, मुझे ठीक से बता, हाँ व्हाइट आगे बढ़ा दो, व्हाइट टू प्ले कर लो, ठीक है, ब्लैक व्हाइट नहीं जा नहीं सकता अभी, जस्ट ए मिनट ये कुछ गड़बड़ कर दी सेटिंग में, अरे तो तक वाइट अगर यहाँ पे वाइट कहीं नहीं आ सकता तो पॉन बढ़ाएगा, तो अब उसके बाद आके मेट हो जाएगा ना। चलिए अभी ये मैंने पोजीशन लगा दिया है, अभी वाइट टू प्ले है, ठीक है,
ब्लैक देखिए, ब्लैक बिल्कुल व्हाइट को कवर कर चुका है, ठीक है, क्योंकि ब्लैक की रो ये दो रो थे, ठीक है, व्हाइट के ये दो रो है, ब्लैक पूरी आगे आ चुका है और ये है हमारा किंग, ओके। लेकिन मेरा ब्लैक साइड बिल्कुल खाली है, मेरे पॉन लोग अभी राजा है खेलने के लिए आगे, बट ये तो राजा है, राजा तो इसको ही खेलना है। अभी देखिए अगर प्ले है तो मैं सोचूं कि मैं क्या चलाऊं, तो चलो मैंने अभी इसको वन स्टेप लिया क्योंकि ये लोग अपने जगह से हिल चुके हैं। अभी क्या होगा, जैसे ये हो गया किंग इधर है तो मैंने ये क्वीन यहाँ ले आया, तो ये हो गया मैट, नहीं क्वीन यहाँ पे लाऊं, किंग यहाँ निकल जाएगा। ओके ये इधर भी ला सकती हूँ, इधर ले आऊं तो ये हो गया मैट, क्योंकि ये सपोर्टेड पीस है किंग से, ब्लैक किंग से ये सपोर्टेड पीस है, ब्लैक क्वीन। अभी ये जो किंग है ये तो एक स्टेप चलेगा, इधर वन इधर वन इधर वन इधर वन, ये सारे ये एक ही कवर करके बैठ गया है। अब इस जगह पे बोलते हैं मैट, मतलब ब्लैक जीत गया और व्हाइट हार गया, ठीक है। जहां किंग जो चल नहीं सकता कहीं पे, जहां मर जाएगा तो गेम खत्म, ठीक है। किंग को मारते नहीं है, किंग को कभी यूं मार के उड़ा नहीं देते, किंग को कभी ऐसे मार के उड़ा नहीं देते कि चलो तुम्हारा गेम मर गया गेम खत्म, ऐसे नहीं होता है। सिर्फ बोला जाता है कि मैट, इसका मतलब गेम ओवर, ऐसे किंग को मारते नहीं है, हिट भी नहीं करते, सिर्फ बोलते हैं चेक बोलते हैं, मतलब किंग जैसे ये हो गया यहाँ हो गया ये चेक, चेक मतलब कहीं भी जा सकता है, यहाँ जाएगा कहीं पे भी जा सकता है, ये हो गया चेक, तो हो गया मैट नॉट चेक। अरे यार सॉरी, एनी क्वेरी आप पूछ लीजिए, नहीं तो मैं फटाफट एक मैच खेल के बेटी के साथ दिखा दूंगी। हेलो मैम। हाँ जी बेटा। अगर है ना बिना चेक के राजा हिट कर सकता है क्या? नहीं बेटा, एक्चुअली मेरा एक कॉल आ रहा है, मैं एक बार डिसमिस करके आपको फिर बोलता हूँ, सुनो ना बेटा। शुभम सर को कॉल करे, कल 5 मिनट पहले मत कॉल करिवे, कर सकता है जी। हाँ बेटा पूछो, क्या पूछ रहे थे आप? अगर है ना राजा को चेक नहीं है, किंग को चेक नहीं है, तो वो है ना हिट कर सकता है क्या? नहीं, हिट नहीं करेगा। हाँ किंग हिट करेगा, लेकिन मतलब जैसे किंग को, जैसे ये किंग है, ठीक है, हाँ जी, ये किंग को हिट नहीं कर सकता, बट ये किंग अगर क्वीन इधर है, चलो इधर है क्वीन, तो ये किंग क्वीन को हिट करेगा, क्योंकि क्वीन सपोर्टेड पीस नहीं है। ये देखो ये क्वीन, दिखाओ क्वीन, ये व्हाइट क्वीन है, ये सॉरी ये व्हाइट किंग और ये ब्लैक क्वीन है, ये इसको हिट कर सकता है, ठीक है, ये इसको हिट कर देगा, बट ये इसको हिट नहीं कर पाएगा, ये बोलेगा कि चेक, ठीक है। अगर ये चीज यहाँ है तो ये जो किंग है ये इसको हिट नहीं कर पाएगा, क्योंकि पीछे ये सपोर्टेड पीस है, ये जो बिशप है ना ये उससे सपोर्टेड है, और किंग यहाँ बिशप को भी हिट नहीं करेगा क्योंकि ये क्वीन से सपोर्टेड पीस है, ये दोनों सपोर्टेड पीस है एक दूसरे के, तो ये हिट नहीं हो सकते, ठीक है। मैम बोलो बेटा। अगर अकेला राजा बच्चा है तो कितने चाल खेल सकता है? ऐसे देखो एक बार बोर्ड देखो, अकेला राजा मतलब ये भी राजा, ठीक है। नो, एक अपोजिट टीम का राजा बचा और हमारा अगर नहीं, हमारा राजा बचा अपोजिट टीम का, दो तीन वजीर वगैरह बचे तो ये बेटा देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है। यस तो इसमें क्या होगा, ये राजा कहीं पे भी चल सकता है जब तक इसको चेक एंड मैट ना आए। और देखिए ये जैसे अभी ब्लैक टू प्ले है, ठीक है, किंग इधर आया और ये अगेन किंग इधर आया, तो इस
इसको फटाफट से क्वीन बना के इसको मारना है, ठीक है? फिर ये इधर आया, ये बन गया क्वीन, ठीक है? ये क्वीन बना तो ये आ गया क्वीन, ओके? तो अगेन ये लाया इधर चेस, ठीक है? फिर अगेन ये वन स्टेप, ये चेक है मतलब ये पीछे गया, ये वन स्टेप, फिर ये और पीछे, ठीक? ये अगेन वन स्टेप किंग इधर, ये वन स्टेप किंग इधर, ये वन स्टेप किंग आया इधर, ये वन स्टेप अगेन बना क्वीन, ये भी क्वीन के जगह हम लोग ये ले आए, ये देखो ये यहाँ पे है। अब कम रहेगा, अब इस जगह पे आपको क्या करना है, इसको लाना है चेक, क्योंकि नीचे रो नहीं आ सकता, नीचे रो क्वीन से ऑलरेडी चेक दे, ये ऊपर गया तो अगेन ये पीछे वाला गया मैट, गेम ओवर। ओके ओके आप समझे? यस। तो आप ना बेटा मम्मा के साथ पापा के साथ खेलते रहना, आपको आ जाएगा, और कहीं पे भी प्रॉब्लम हो ना मुझे कॉल कर लेना। ओके थैंक यू बेटा, एनी क्वेरी? किसी की कुछ क्वेरी है? ओके, किसी की कुछ क्वेरी नहीं है, सो आई थिंक वी हैव टू एंड दिस सेशन नाउ, एंड थैंक यू सो मच जॉली जी, इट वाज अ नाइस सेशन। ओके थैंक यू। आई थिंक सबको सब कुछ समझ में आया है, जिसको नहीं आया वो जॉली जी से पूछ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे पूछ सकते हैं, बिल्कुल। वेरी नाइस, थैंक यू। ओके थैंक यू, बाय। थैंक यू, बाय। थैंक यू, बाय। नहीं।